हेलो एवरीवन, दिस इज रितु और स्वागत है आप सभी का सी डेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस पैडागोजी के क्वेश्चंस जो कि दिसंबर 2021 से लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आज जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 29 दिसंबर 2021 का। कंटेंट के क्वेश्चंस इसके ऑलरेडी हो चुके हैं 40 मार्क्स के और 20 क्वेश्चंस बचे हुए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से शामिल हैं। एट द सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंसेज मेनली कंप्राइजेस ऑफ, तो स्पेशली हमसे ये पूछा गया है कि सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से इंक्लूड रहते हैं, तो ये आप सभी जानते ही हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। लेकिन जो आपका ये एग्जाम लिया जाता है सीटेट का, इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट से पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स वैसे आपकी ज्योग्राफी में थोड़ी सी इंक्लूड हो जाती है, अलग से जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उससे नहीं पूछा जाता इसमें। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका 9th क्लास से ऐड होता है इसमें, तो जो मेनली जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड रहते हैं सोशल साइंस में, ये 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस का जो नया नाम है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में इतिहास की वकालत करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास को साइंस क्यों माना जाता है, उसके आधार पर ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यहाँ पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाए। इतिहास अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह तथ्य को स्थापित करने और उनकी व्याख्या करने के लिए अपनी तकनीकों का अनुसरण करता है। एक तरह से हम कहेंगे जिस तरह से विज्ञान का स्ट्रक्चर होता है, विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं, तथ्य को इकट्ठा किया जाता है और उन पर रिसर्च की जाती है, वैसे ही होता है हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री में जो पुराने जो तथ्य मिले होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, या फिर कुछ एविडेंसेस मिलते हैं उनको इकट्ठा करके जोड़ा जाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। तो ये जो सब विधियाँ हैं, ये सब जो टेक्निक्स हैं, ये बिल्कुल विज्ञान की तरह ही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान के रूप में इतिहास को जाना जाता है। एक तरह से हिस्ट्री को विज्ञान की तरह माना जाता है। जिस तरह से विज्ञान में अनेक टेक्निक्स यूज होती हैं, वैसे ही हिस्ट्री में भी होती हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लें, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं, इनको जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो तथ्य होते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं और फिर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिसके आधार पर वो किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वैसे ही विज्ञान में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं मिल सकते हैं। मतलब क्या चीज़ है जो एकीकृत कक्षा में नहीं मिलेगा, इंटीग्रेटेड जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्ले स्टेशन। तो प्ले स्टेशन को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें एकीकृत कक्षाओं में मिल जाएंगी। इंटीग्रेटेड जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें सभी तरह के स्टूडेंट्स शामिल होते हैं, जो चाहे वो लर्निंग डिसेबल हो, हम कह सकते हैं एक तरह से स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, तो सभी तरह के स्टूडेंट्स से मिलकर के, या फिर हम कहें सभी तरह के लर्नर्स से मिलकर के ये क्लासेस बनती हैं, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स। और इसके अलावा देखो, जो पढ़ाया जाएगा उसके लिए कुछ सामग्री भी चाहिए होगी, तो ये भी इसमें अवेलेबल होता है, ये मिलता है। और स्मार्ट बोर्ड और उपकरण ये सभी उसी चीज़ में शामिल है, इक्विपमेंट वगैरह। जब पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या नहीं मिलेगा इस तरह के क्लासरूम्स में, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स में? प्ले स्टेशन, क्योंकि प्ले स्टेशन जो है क्लासरूम से बाहर की चीज़ें हैं, जहाँ पर खेलने की जगह होती है और खेलने की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ये क्लासरूम के अंदर नहीं होता है, ये बाहर होता है क्लासरूम से। तो 3 ऑप्शंस जो है इसमें सही है, और क्योंकि हमसे नहीं पूछा है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा, प्ले स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपता है, वह इसमें विश्वास करता है। अगर एक सोशल साइंस टीचर है और हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को वो अलग अलग टास्क देता है, मतलब सभी को सेम टास्क नहीं देता है, एक तरह का टास्क नहीं दे करके अलग अलग टास्क देता है, तो वो किस चीज़ में बिलीव करता है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd ऑप्शन, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएँ मौजूद हैं। तो विश्वास करता है कि जो हर बच्चा है वो एक ही तरीके से टास्क नहीं कर सकता, या फिर एक ही टास्क हर बच्चा नहीं कर सकता, तो वो जिस हिसाब से जो बच्चा है उसी के हिसाब से अलग अलग टास्क देता है।
जो बच्चा जिस टास्क को पूरा कर सकता है उसके हिसाब से ही उसको टास्क देता है। तो अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देने का मतलब है कि वो जानता है कि हर बच्चा कुछ डिफरेंट होता है, जिसको कि हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की घटना एक छात्र की गरिमा का उल्लंघन होगी, मतलब कि उसकी डिग्निटी को हर्ट करेगी, एक स्टूडेंट की डिग्निटी को हर्ट करेगी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी, कौन सी ऐसी घटना है इसमें? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, एक शिक्षक एक बच्चे को बिना शर्ट के अपनी कक्षाओं में आने के लिए कहता है। तो देखो ये बिल्कुल सही बात है कि इससे एक बच्चे की डिग्निटी हर्ट होगी, क्योंकि जो उसके पीयर ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, जो उसके साथ के बच्चे हैं, उनके बीच बच्चा कुछ ऐसी चीज़ करने में शर्माता है, तो शर्माता है और इससे उसकी जो डिग्निटी है वो हर्ट होगी और जो उसका आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुँचेगी। तो क्योंकि साथ के जो बच्चे होते हैं फिर वो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो इससे उसकी डिग्निटी को ठेस पहुँचेगी, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में कहा जाता है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ओनली सी। ओनली सी में है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर अगर किसी के व्यवहार में आप चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है क्या, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके द्वारा किसी के व्यवहार में चेंज लाया जा सकता है। तो ऑप्शन है, चर्चा पद्धति का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण और सीखने में किया जाता है जब? तो यहाँ पर हमसे पूछा है डिस्कशन मेथड जो है टीचिंग में और लर्निंग में कब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा, ऐसी स्थिति जहाँ पर मतभेद की गुंजाइश होती है, जहाँ पर होती है ओपिनियन डिफरेंस, यानी कि जब अलग अलग राय होती हैं सभी की, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन मेथड यूज़ करते हैं, हम चर्चा करवाते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न होता है, जहाँ भी डिफरेंस होता है ओपिनियन में, वो क्लियर करने के लिए हम डिस्कशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा की लय को प्रभावित कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट क्लासरूम रिदम? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर, ए बी सी और डी। देखो चारों ही चीज़ें जो है ये एक तरह से क्लासरूम रिदम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम कह रहे हैं कि पढ़ाई को एक तरह से बाधित कर सकता है या प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। चारों कौन कौन से ऑप्शन हैं, जैसे कि पीने के पानी की उपलब्धता अगर सही नहीं होगी तो क्लास की जो हम कह सकते हैं पढ़ाई उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। महीने का मौसम और स्कूल का स्थान, मौसम अगर गर्म है ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, तो भी गर्मी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर ज़्यादा ठंडा होगा तब भी प्रॉब्लम आएगी। स्कूल की जगह कैसी है, मतलब कहाँ पर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है बच्चों के घर से, तो अगर बच्चों के घरों से ज़्यादा दूर होगा तो बच्चे लेट पहुँचेंगे, जिसकी वजह से वो उनकी क्लासेस छूट जाएंगी। तीसरा है परिवहन सुविधा की उपलब्धता, अगर वो मान लो काफ़ी रूरल एरियाज से आते हैं, वहाँ पर परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, बहुत मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है स्कूल आने के लिए, तो अक्सर वो एबसेंट भी रह सकते हैं, इसके अलावा वो लेट पहुँचेंगे। वार्षिक दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास, इसका मतलब है जैसे मान लो 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस पर कोई प्रोग्राम होना है और उसके लिए रिहर्सल चल रही है, तो रिहर्सल की वजह से भी पढ़ाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं पीरियड्स में होगा वो जिनमें पढ़ाई होती है। तो ये चारों चीज़ें ही हैं जो कि कक्षा की लय को प्रभावित करती हैं, जो क्लासरूम रिदम जो बना हुआ है उसको प्रभावित करती हैं। तो चारों इसमें ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आमतौर पर निम्नलिखित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है, उन्हें चुने जो आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करते हैं, यानी कि कक्षा में ऐसे क्वेश्चन तो यूज़ किए जाते हैं लेकिन हमें क्या बताना है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं उन क्वेश्चंस को हमें चूज़ करना है। यहाँ पर सही ऑप्शन अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ओनली बी और डी जो है, इससे ही क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और इससे ही क्यों होगी, देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं पैडागोजिकल जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इसमें बी और डी। अब देखो इसमें पूछा गया क्वेश्चन, भारतीय संसद में प्रश्नकाल का होना क्यों जरूरी है? अगर हम बच्चों से इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो क्या होगा, उसमें वो अपने विचार रखेंगे, गहराई से सोचेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है ये प्रश्नकाल का होना भारतीय संसद में। फोर्थ जो है, यदि आप किसी राज्य के विधानसभा के सदस्य होते तो उन दो प्रश्नों की सूची बनाइए जो आप विधानसभा सत्र में पूछेंगे। इसमें भी हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो क्या करेगा, वो सोचेगा और उससे क्या होगा, उसके विचार डेवलप होंगे, गहराई से उसको सोचने पर मजबूर करता है ये प्रश्न।
तो बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगर हम देखो ए और सी की बात करें, ये क्यों नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है वर्णन। वर्णन तो देखो जो हम किताब का जो रटा रटाया चीज़ होती है उसके उसको हम वर्णित कर सकते हैं, उसको हम एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें अपने विचार कोई डेवलप नहीं हो रहे हैं, बच्चों के विचार डेवलप नहीं हो रहे हैं। और तीसरा भी ऐसा ही कुछ है कि डिस्क्राइब द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर भी बच्चों के खुद के विचार डेवलप नहीं हो रहे हैं, उनके खुद के विचार डेवलप होने चाहिए, जिस तरह से बी और डी में हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन थ्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन वर्गों आख्यानों को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन वन सही हो जाएगा, ए और बी, आत्मनिरीक्षण और चर्चा, इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्कशन, ये दो जो विधियाँ हैं ये सबसे बेहतर रहेंगी इसके लिए, ए और बी, ऑप्शन वन करेक्ट इसमें हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो है मिलती रहें टाइम टू टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।